डेढ़ घंटे समय बर्बाद कर दिया हमारा। हम तो बहुत काफ़ी अच्छी पिक्चर समझ रहे लोग बाग कुछ तक तो उनको समझे कि क्या चल रहा समाज में, क्या नहीं चल रहा उसके बारे में। सरकार में अगर ये होना चाहिए तो उम्र कैद गया कत्लेआम करो जाए समझ। आजकल के हिसाब से अच्छी बनाई है, लड़कियों को सोचना चाहिए। बेकार, बहुत बेकार, कुछ भी नहीं है। तो दिखा रहे हैं जो हुआ है और अभी भी ये अधूरी स्टोरी है। हुआ है कहाँ पे है, यानी खत्म हो गई, मालूम भी नहीं पड़ी है। जी मैम कैसी फिल्म? अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ जी, हाँ सुनी थी काफ़ी पहले हमने इसके बारे में सुना था और बहुत ही अच्छी लगा। इंस्पिरेशनल मूवी है और आज पुलिस प्रशासन और सरकार को और पेरेंट्स को सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर हमें अपनी बेटियां बचानी हैं तो हमें सजग होना ही पड़ेगा और समाज को भी इसमें हेल्प करनी पड़ेगी। अगर कहीं पर सड़क पर कुछ गलत हो रहा होता है, वैसे तो बहुत नंबर आ गए हैं, 1090 महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर बहुत हैं, लेकिन समाज को भी हेल्प करनी पड़ेगी। आगे आकर के जो लाचार लड़कियां होती हैं उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। ओम शांति भाई साहब। उसमें क्या हुआ, हमने तो ये इतनी उम्र भी नहीं है जो हम जानते होंगे 1992 में, पर इतना अभी जानते हैं कि भाई साहब पिक्चर ने बिल्कुल बेकार है मेरे हिसाब से। भाई जो मुजरिम थे उनको सजा होनी चाहिए थी कायदे से, तो उनको कुछ नहीं दिखाया गया। फिर साधन देखती है भाई साहब, कोई आम आदमी कोई सड़कों पर डुल रहा, बैठ रहा, सो रहा, खा रहा, पी रहा, उसको अपने उठा के ले जाते हैं, इनको क्रिमिनलों को उठा ही ना रहे। बताइए आप सच्चाई उसमें क्या है? थोड़ी बहुत सच्चाई है, यही सच्चाई है आज की, के नेता झूठते जे कत्ते वे रहते हैं ऐसे खोले और बेचारा गरीब आदमी फंस जाता है। जब ये क्रिमिनलों बाहर डोल रहे हैं इसमें क्या सच्चाई है? क्रिमिनलों के बारे में तो कोई कहानी बताई नहीं, उन क्रिमिनलों को ना कोई सजा हुई। मूवी कैसी है बताओ? हमारे मूवी अच्छी है, समाज को प्रेरणा देने वाली है। उसमें दिखाया गया है जितने भी संप्रदाय के उनसे होते हैं किस वजह से भड़काए जाते हैं। नारी शक्ति के लिए एक अच्छी मूवी और एक अच्छा संदेश है उनके लिए। केरला स्टोरी देखी थी, अलग मूवी उससे तो काफ़ी अलग है। बस इसमें एक पर्टिकुलर उसके दिखाया, इसमें ज़्यादातर सांप्रदायिक वो नहीं दिखाया गया जितना भी वो है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मुसलमान को विक्टिम बनाया है, बस उसमें लड़कियों के जो लड़कियों पे वो हो रहा है अत्याचार उसका दिखाया है 92 में जितना भी हुआ। ढाई सौ दिखाई थी। लेकिन ये जो मैटर था वो 1450 लड़कियों का था, जो मैंने पढ़ाया इसके बारे में 1450 लड़कियों का मैटर था, लेकिन जो 250 दिखाई गई है बस। अच्छा, तो जो लोग हैं जिन्होंने काम किया था फारूक चिश्ती सलीम जिससे, वो अभी बाहर घूम रहे हैं सब। वो चीज़ें सर क्लियर, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें उनका जिक्र नहीं है। अच्छा, इस मूवी में उनका जिक्र नहीं है, इसमें सीधे सीधे कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया गया है। इस मूवी में पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी के नेता है और जो अध्यक्ष शहर अध्यक्ष जो होता है अपना, है ना, वो कांग्रेस का जो है, मतलब डायरेक्टर नाम नहीं दिखाया गया है, कांग्रेस के अध्यक्ष को टारगेट किया गया है अजमेर के को। बाकी जो चिश्ती दरगाह का जो थे सेवादार थे जो करते थे काम, उनका कहीं कोई जिक्र है ही नहीं। अच्छा। जबकि मेन वो जो थे मेन एक्यूज तो वही थे, वो जो आप भी जानते होंगे, आपने भी सुना होगा उसके बारे में, मेन एक्यूज वही थे, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है इसमें। फोटोग्राफर था वो नहीं सर, उसके बारे में कुछ दिखाया ही नहीं गया, तो इसमें गायब दिखाया गया। हाँ बस। अच्छा, गर्ल्स के लिए मूवी है कि नहीं? सॉरी, मूवी है। हाँ बिल्कुल 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 देखनी चाहिए सर। हाँ बिल्कुल देखी सर मैंने। सर देखिए, मैं आपको खुलकर कहूँ तो केरला बारे में मैंने पढ़ा नहीं था, इससे पहले मूवी देखी थी मैंने केरला स्टोरी, है ना, लेकिन इसके बारे में से बहुत पहले पढ़ा रखा है मैंने। अच्छा। 2-4 साल पहले पढ़ा रखा है कि अजमेर में ऐसे कांड हुआ था, तो ये जो थी स्टोरी इस पर बेस्ड थी। 1992 की घटना सुनी थी उस समय पर आपने? 1992 की घटना सुनी नहीं है मैंने ऐसा कुछ, क्योंकि राजस्थान की बात है और दंगे सुने थे कि हाँ उस टाइम पे दंगे हुए थे अजमेर में, बट ऐसा कोई इस मतलब पर्टिकुलर विषय से नहीं सुना। कितना छुपाया गया वैसे मूवी के अंदर जो रियलिटी से, कितनी अलग है? रियलिटी से अलग तो नहीं बता सकता, क्योंकि रियलिटी के बारे में तो मुझे भी नहीं पता ना। अभी तो इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में पता पड़ेगी कुछ। इसके बाद जाके आप सर्च करोगे यूट्यूब पर अगर आप इसके बारे में 1992 घटना के बारे में सर्च ही करेंगे क्या? हाँ गर्ल्स के लिए है, ऐसा कुछ वो नहीं है, 18 प्लस नहीं है, देख सकते हैं, अनरेटेड है। उसको समझ में आएगी इसके बाद कुछ इंस्पिरेशन? मैसेज तो यही देना चाहता है मीडिया जो है, जो कि गर्ल्स समझे थोड़ा, जितने भी
होते हैं कुछ तत्व, तो उनको समझें कि क्या चल रहा है समाज में, क्या नहीं चल रहा उसके बारे में। उन्होंने ये सब काम किया था, बोलो अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं फारूक चिश्ती, सलीम चिश्ती। अब देखिए ऐसा है कि अपना जो संविधान है वो अब संप्रदाय वो तो नहीं है, अब जो अपने पुलिस वगैरह जो हित में है, सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग ना इसे पॉलिटिकल एजेंडा बता देते हैं। जो भी अगर आप मूवी रिलीज करो, जैसे केरला फाइल्स में हुआ था, क्या कहा था उसके बाद में, जितने भी अपोजिशन में पार्टियाँ होती हैं वो सारा बोलती हैं कि ये सब ना एक पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि वो उनको वोट सिक्योर कर रहे हैं, मुसलमान को गिराना है, एक ये मतलब जो हिंदू राष्ट्रवादी का वाला, ये सारी चीज़ें मतलब फैलाते हैं, ये सारे मैसेज देते हैं, तो ये मैसेज फैलाते हैं, इसकी वजह से सारी चीज़ें दब भी जाती है। अपोजिशन किस में जाता है, इसी वजह से जाता है, और क्या है। इनका ज़्यादा से ज़्यादा मानना ये रहता है कि जो जितना भी ये लोग कर रहे हैं वो सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है और सच्चाई को कोई ज़्यादा नहीं छानता। ये लोग घूम रहे हैं, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए अभी, मिलनी चाहिए सज़ा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो सज़ा तो मिलनी। अब केरला का सच झूठ मुझे नहीं पता सर, केरला में क्या था क्या नहीं था। बड़ी होना ही हुई मूवी, बहुत बड़ी होना ही। हाँ देख के आ रहा हूँ, मैंने नहीं सुनी हुई है, मूवी देखने में अच्छी लगी, स्टोरी भी अच्छी है इसमें। गर्ल्स के लिए है, जेंट्स के लिए, सबों के लिए, फैमिली मैटर, फैमिली के लिए भी सही है मूवी। अगर रिकमेंड करोगे कमेंट ही करेंगे भैया जी। ये सबके लिए समझदारी के हिसाब से बताइए, लड़की के लिए भी समझदारी और लड़कों के लिए कॉलेजों वगैरह जो चलते हैं आजकल जो होता है ना उनके उसी के ऊपर बनी है बस इतने क्या। हाँ जो चल देती है उनके लिए माइंड के लिए, जो आज वो लड़कियाँ आई हैं गर्ल्स हैं देखा उन्होंने तो उन्होंने आज दो कुछ लड़की ऐसी आई होंगी अपने मतलब के लिए और कुछ ऐसी आई होंगी जिसने देखा होगा समझा होगा तो वो उसी रास्ते पर चलेंगी, इस गलत रास्ते पर नहीं जाएंगी, यही कह सकता हूँ उससे। धन्यवाद। ये जो भी कोई गलत काम करता है उसको तो सजा होनी चाहिए, चाहे वो जुर्माना हो किसी चीज़ का, बाइक का अगर चालान काट रहा हो उसका भी फाइन होता है, तो ये तो बाइक के जुर्माने से बहुत बड़ी बात हो गई, जुर्माना तो होना। 250 लड़कियों का रियल में हुआ था, इस मूवी में कितना दिखाया है? 250 ही बताया गया है, 250 के ऊपर ही इसमें स्टोरी चली है, उसके ऊपर ही केस बना है, जो भी पिक्चर है वो 250 के ऊपर बनाई गई है, उसमें ये भी चीज़ दर्शाई गई है कि और भी हो सकती हैं और वो जो कितनी हैं उनकी हमें जानकारी नहीं है और ऐसा कितने लोगों के साथ होता है, लेकिन 250 की स्टोरी इसमें है। 250 की रिटर्न कंप्लेंट लेके उन्होंने रजिस्टर्ड है, 250 का तो रजिस्टर्ड है इनके पास रिकॉर्ड, और बाकी का पता नहीं कितने रजिस्टर्ड ना हुए इज्जत की वजह से, शर्म की वजह से, लोगों की फैमिली इश्यूज वगैरह वगैरह। 87 से चल रहा है 87 में फर्स्ट केस रजिस्टर्ड हुआ था अजमेर में, उसके बाद में चलते रहे हैं ये मामले, पहले दबा दिए गए थे, फिर जाके अब 92 तक जब बात पहुंची तो ऐसा तो हो नहीं सकता 87 लेके 92 तक सिर्फ 250 रहे होंगे, काफ़ी रहे होंगे, यही है बस और क्या। मूवी समझना है कि अब जो लोग 3 शादी कर सकता है ये एक के साथ क्या रहेगा, जो खुद ही उनके मजहब में है कि 3 शादी अलाव है वो एक लड़की के साथ कैसे रह सकता है, ये हिंदुस्तानी लड़कियों को समझना है बस ये सारी चीज़ें, तो बस लड़कियां देखें इस चीज़ को और इस चीज़ को समझें कि किस तरीके से अब क्या करना है। अपने मूवी को नंबर कितने दोगे, 10 में से रेटिंग कितनी दोगे? 8। मूवी में तो यही पता चला कि जो मेन गुनहगार है उसे अभी भी सज़ा नहीं मिली है, तो सरकार से यही बोलना चाहेंगे कि जल्द से जल्द सज़ा दिलवाई जाए। धन्यवाद। नहीं जी नहीं, हमारी जाके ऐसे देखोगे देखोगे आप? बिल्कुल वो भी देखेंगे, आएगी तो बिल्कुल ले जाते हैं और उनके साथ ऐसा काम करते हैं, वो कर देते हैं उसको, उसके आधार पर बनाई हुई है फिल्म। अब ये तो हमने देखी फिल्म, अभी अभी देख के आए हैं। हाँ जी सर। भाई कैसी मूवी? बढ़िया, मस्त मूवी। मूवी कैसी है? कैसी फिल्म भाई? जस्ट अ कॉमन थिंग्स इन द मूवीज, जो घटनाएं थी वो जरूरी थी पब्लिक के सामने आना। 1992 में ऐसी घटनाएं हुई थी, उस टाइम मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो चीज़ें छुपी रहीं। अजमेर में इतना बड़ा कांड हुआ, एक बहुत शर्मनाक घटना थी पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए, जयपुर के लिए या राजस्थान के लिए। जो अब चीज़ें खुलकर आ रही हैं तो पता लग रहा है किस तरह से लोगों को ब्लैकमेल किया गया, सारी चीज़ें हुई। 1992 घटना पता थी वैसे आपको इससे पहले? हाँ सर, मैंने पढ़ा हुआ सोशल मीडिया के थ्रू, काफ़ी पढ़ा था इस बारे में। 92 जो घटना थी उसमें जो हुआ था वो एक्चुअल में दिखाया गया इस मूवी के अंदर, कुछ छुपाया गया? सर काफ़ी कम दिखाया गया है, एक्चुअलिटी जो मैंने पढ़ा है वो काफ़ी बड़ा था चीज़ें, ये काफ़ी कम दिखाया गया है। ना उनके बारे में कोई बताया, ना उसमें सरकार की कोई कहानी दिखाई कि सरकार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है, वही सरकार दिखाई जा रही है। पहले कांग्रेस दिखा देते, कांग्रेस का राज्य था उस समय पर,
अब वो क्रिमिनल लोग अब बाहर घूम रहे हैं, उसका भाई भी बाहर आ गया, वो भी बाहर है, वो सारे लोग बाहर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, रीजन क्या हुआ, जनता को भड़काने का रीजन है क्या ऐसे करके? आपने केरला देखी थी, केरला स्टोरी है? केरला स्टोरी नहीं देखी जी, कैसी मूवी ये तो सर जी बताएंगे बहुत अच्छी फिल्म है, देश को अच्छा संदेश दिया गया। बेसिकली स्टोरी यही है, बताया गया कि 1987 में जो हुआ था उसमें क्या हुआ था, पर अभी भी